मध्य प्रदेश का एकमात्र पहला प्रकरण जो कोरोना के अलावा कैंसर से भी ग्रसित रहा। मध्य प्रदेश के बढ़वा में सुराणा नगर की 100 वर्ष की वृद्ध महिला के आगे कोरोना बोना साबित हुआ है। 17 जुलाई को 100 वर्षीय रुक्मणी बाई खुशियाल चौहान के सैंपल लिए गए थे और 21 जुलाई को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उनकी वर्तमान स्थिति और घर में ही उनका पोता कोरोना को हरा कर लौटा है। इस स्थिति में ध्यान में रखते हुए श्रीमती रुक्मणी बाई को घर में आइसोलेट किया गया था। प्रदेश में यह एकमात्र पहला प्रकरण था जो कोरोना के अलावा अन्य पुरानी बीमारी से भी यानी कैंसर से भी ग्रस्त था। उनकी उम्रदराज महिला होने के बावजूद कोरोना से लड़कर स्वस्थ हुई है। वास्तव में उनके आत्मबल और रोग प्रतिरोधक क्षमता ने साबित कर दिया कि कोरोना को उचित देखरेख और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाकर कोरोना को पछाड़ा जा सकता है। खरगोन सचिव तिवारी की रिपोर्ट। ठीक है अब कोई आपकी परेशानी नहीं है। अब कोई नहीं बुखार उखार कोई आई नहीं। मेरा नाम जयपाल सिंह। हमारी जो खोड़ी स्थित फैक्ट्री है एसोसिएटेड एल्कोहल्स, उसके अंदर एज ए लैब केमिस्ट काम करता हूँ। और 9 तारीख को मुझे बुखार आया था। उसकी जाँच मैंने जाँच के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बढ़वा गया था। मतलब यही परिवार की सेफ्टी, सबकी सेफ्टी हो जाए इससे कि भैया अपने वाले और अपने सहकर्मी और मित्र जो हैं इससे बच जाए। तेज बुखार आया था इसी कारण मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल बढ़वा गया था 10 तारीख को। सैंपल वगैरह लिया गया और 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब पॉजिटिव आ गई उसके बाद जो सनावत क्वारंटाइन सेंटर है जो गुजर हॉस्टल में बना हुआ है वहाँ पर मुझे क्वारंटाइन किया गया टोटल 10 दिनों के लिए। इसी बीच घर से घर की और अड़ोसी पड़ोसी की सैंपलिंग हुई। तो जो हमारी दादी हैं जिनकी उम्र, जिनका नाम रुक्मणी बाई है और उनकी उम्र 100 साल प्लस ही है वैसे, क्योंकि पुराने समय में तो कोई एविडेंस मिलते नहीं थे, तो उनकी जो आज रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उनका सैंपल हुआ था 17 तारीख को और जो सैंपल की रिपोर्ट है वो 21 तारीख को आ गई थी। अब हमारे साथ एक और दुविधा, सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उनके पेट में जो है ओवरी का कैंसर है जो कि गठान लगभग 4.5 से 5 किलो की है। आज से 4 महीने पहले गए थे तो MRI वगैरह करवाई थी लेकिन दादी ने मतलब हौसले पस्त हो गए थे उनके कि अब नहीं करवाना है ऑपरेशन में, क्योंकि उम्र को लेके हम भी डर रहे थे कि इस उम्र में ऑपरेशन, वो भी इतना बड़ा ऑपरेशन होना मतलब वो इम्पॉसिबल। डॉक्टर से भी बहुत सलाह लेते, सब मना कर रहे थे, बोले कि नहीं कोई वो नहीं है, उचित नहीं है। अब वो कैंसर की बीमारी, क्योंकि आज से 5 साल पहले ही उनकी रिपोर्ट हमको मालूम पड़ चुकी थी जब हमने ऑपरेशन करवाया था। उनकी जो गठान है उसमें हिस्टोलॉजी पॉजिटिव पाया गया था, इट मीन्स कि वो कैंसर है। अब उनको दोबारा गठान हो गई है। अब इसी के मतलब रहते COVID-19 इट मीन कोरोना का पॉजिटिव आना, वो सबसे बड़ी दुविधा का कारण था हमारे लिए। अब क्या करें, अब घर वालों ने निर्णय लिया कि इनके घर में ऊपर जो 2nd फ्लोर बना हुआ है हमारा, इन्हें वहीं पर रखते हैं क्योंकि कुछ होता भी है इन फ्यूचर तो ठीक है। अब कुछ समय तो साथ रहेंगे, वैसे भी उनका साथ रहने के लिए अपना कैंसर का मालूम ही अपने को कि ज़्यादा समय के मेहमान है नहीं। तो हमारे जो HDM साहब श्री मिलिंद ढोके जी जो हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है आपको कभी लगता है कि आप घर में ही मतलब क्वारंटाइन कर सकते हो तो ठीक है आप इन्हें रखिए। तो जो हंसा पाटीदार मेडम है हमारे और जो सुलिया साहब डॉक्टर सुलिया जो बड़वा के मतलब पूर्व BMO रह चुके हैं वो, और एक मेरा मित्र है नलिन राठौर अरविंदो के पास मोहक जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर है, इन तीनों ने पूरी मदद करी। मतलब हर संभव प्रयास किए कि अपन किस तरह से क्या मेडिसिन दे के कैसे क्या करके इन्हें सही कर सकते हैं। इन्हें स्वस्थ हैं अभी दादी को भी लगभग 20 दिन हो गए हैं और वो कोरोना से जंग पूर्णतः जीत गए हैं, इस बात की बहुत खुशी है। हाँ, 100 वर्षीय महिला एक पॉजिटिव आई थी और काफ़ी फिर मेडिकल टीम और प्रशासन ने उसके पीछे मेहनत की और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि उन्हें ओवरी कैंसर भी था तो काफ़ी दिक्कत भी थी, पर वो धीरे धीरे उनका दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो आज वो पूर्णतः स्वस्थ है और चल फिर रही है और बढ़िया से काम कर रही है, कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। सर पहले किसके संपर्क में आई थी उसके उनके परिवार की थे जो खोड़ी फैक्ट्री में कार्यरत थे, उनके संपर्क में आने के कारण हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।